Hello everyone, welcome to my channel. Today we are back with our new question. Calculate the average power absorbed by the resistor and inductor and the average power supplied by the voltage source. ये voltage source कितनी power supplied करेगा और इनमें से inductor और capacitor के across कितनी power absorb की जाएगी ये बतानी है. तो ये पहले मैं बता दूँ, ये peak value की form में, peak form में, ठीक है, जो peak value form होती है, यानी ये maximum value voltage की, RMS value नहीं है, ठीक है. तो मैंने मान लिया इसमें पहले, सबसे पहले मुझे करंट पता होना चाहिए, तो मैं करंट की वैल्यू निकालता हूँ. आई करंट फ्लो हो रही है, तो इस आई की वैल्यू निकाल लो, कितना होता है, सीरीज सर्किट है, 8 वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस 3+j. तो आई कस टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 अपॉन, इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 और 1 10 एट एन एंगल ऑफ 45 माइनस 10 इनवर्स, इसका एंगल कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा. तो I इक्वल टू कितना आ गया, I इक्वल टू 8/√10 2.53 एट एन एंगल ऑफ 10 वर्स ये एंगल आ जाएगा. तो इतने एम्पियर की करंट फ्लो रही होगी. अब मुझे सबके अक्रॉस बतानी है, पावर एब्जॉर्ब बाय द रेजिस्टर इंडक्टर और पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स. तो सबसे पहले मैं किसी के भी अक्रॉस निकाल लो, इसके पहले अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता चाहिए, ऐसे ही इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज चाहिए, ठीक है. तो पावर पहले वी आर की वैल्यू निकाल लो, वी आर कितना आ जाएगा, वी कस टू आई आर होता, आई की वैल्यू कितना आई है, 2.53 एट एन एंगल ऑफ 26.56 और आर कितना, 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 975 एट एन एंगल ऑफ 26.56 इतने वोल्ट. ऐसे वी एल की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा ये, 2.53 26.56 मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं क्या लिख लूंगा, 1 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इतने ओम, ठीक है. मल्टीप्लाई में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं, ये ऐड हो जाते हैं, सॉरी एंगल, तो इसके साथ ऐड करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 116.56, ठीक है, इतने वोल्ट. अब देखो मुझे सबके अक्रॉस में पावर निकालता जा रहा हूँ, पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स कितनी आ जाएगी, पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, तो कितनी आ जाएगी, मैं इसको पी एस नाम दे देता हूँ, हाफ वी एम यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आई एम कितना, 2.53 कोस थीटा वी माइनस थीटा ई, वोल्टेज और वोल्टेज का एंगल माइनस करंट का एंगल, इसका वोल्टेज का एंगल है 45 और करंट का एंगल है 26.56. इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सोल्व करो, ये आएगा 4 × 2.53 × cos 45 − 26.56, ये आएगा 9.6 वॉट, यानी इतनी पावर तो सप्लाई की जा रही होगी सोर्स ने. अब देखना है इसके अक्रॉस कितनी आई है, इतनी ये कितनी एब्जॉर्ब करता है, पावर एब्जॉर्ब बाय रेसिस्टर कितनी होगी, हाफ इसके अक्रॉस वोल्टेज जो वी आर है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 7.59 इनटू करंट का एम्पलीट्यूड उससे 2.53 कोस थीटा वी, सॉरी थीटा इसका कितना, 26.56 माइनस करंट का 26.56. तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7.59 मल्टीप्लाई बाय 2.53 और डिवाइड बाय 2, 9.6 वॉट. अब देखो सोर्स ने 9.6 वॉट की पावर
सप्लाई की थी, रजिस्टर के अक्रॉस कितनी आ गई 9.6, इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस हमेशा जीरो ही रहनी है, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। देखो अब मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर कितनी होगी हाफ, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड कितना 2.53, करंट का एम्पलीट्यूड 2.53 उसके अक्रॉस है, और कोस थीटा वी, थीटा वी कितना है इसका वोल्टेज का 116.56 माइनस 90 डिग्री, ठीक सॉरी करंट का एम्पलीट्यूड कितना 26.56, तो ये कितना आ गया हाफ 2.53 का होल स्क्वायर कोस, ये कितना बचेगा 90 डिग्री, ठीक है। कोस 90 की वैल्यू जीरो, अगर ये जीरो तो ये कितना हो गया सारा जीरो हो गया, यानी जीरो वॉट। तो इंडक्टर हो या कैपेसिटर लगाओ उसके अक्रॉस एवरेज पावर हमेशा जीरो ही रहनी है, ठीक। यहाँ पर नोट बना के लिख लो, इंडक्टर एंड कैपेसिटर एब्जॉर्ब जीरो एवरेज पावर, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो उसके अक्रॉस हमेशा पावर जीरो ही रहेगी, ठीक है। कोस 90 हमेशा ऐसे जीरो हो जाएगा हर एक केस में। तो इसी तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा इंडक्टर कैपेसिटर का, आप डायरेक्ट निकाल देंगे, ठीक है, लिखने निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उससे देख के ही पता लग जाएगा सर्किट से कि ये सप्लाई करेगा, इसके अक्रॉस एब्जॉर्ब की जाएगी, ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है, इसके अक्रॉस जीरो जाएगी, तो इन दोनों के अक्रॉस ही होगा जो भी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अक्रॉस सर्किट में, एसी सर्किट में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही हम अब बढ़ते जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ।